पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जनपद बहराइच में शिक्षकों कर्मचारियों का चल रहा धरना प्रदर्शन। अध्यक्ष आनंद कुमार पाठक व संयोजक इंजीनियर चंद्रताप ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से पुरानी पेंशन योजना की मांग की। पुरानी पेंशन बहाल न की गई तो आगामी 6 फरवरी को पूर्ण रूप से शिक्षक व कर्मचारी हड़ताल करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, वीरेंद्र राय, सौरभ पंचोल। शासन ने जो है कुचक्र तैयार करके हम लोगों को रोका या आश्वासन दिया या हमारे पदाधिकारी ने या हमारे प्रदेश के पदाधिकारियों ने उनकी बातें मान ली, क्योंकि हम लोग अनुशासित रहते हैं। इसलिए एक बार उनके बातों में आ गए, धरना दो महीने के लिए टाल दिया गया। एक भी बिंदु की बात मांग नहीं पूरी की गई, एक भी बिंदु की मांग नहीं पूरी किए। जिस तरह से माननीय मोदी जी के और योगी जी के चेहरे हंसते हुए जगह जगह, ये तो पेपर में है, अब टीवी में पेपरों में जो इस समय चेहरे दिखाई दे रहे हैं वो फीके पड़ गए हैं। क्योंकि अगर कोई हम आपसे मांगे हैं और 12 मांगे हों, 20 मांगे हों, 21 मांगे हों, एक भी मांग आप न दें हमको। आप धरना स्थल पर इस वक्त मौजूद हैं, राज्य कर्मचारी संघ की तरफ नहीं, हम बता रहे हैं। आप सभी लोग बैठ जाएं। मैं इंजीनियर चंद्र प्रताप, संयोजक कर्मचारी शिक्षण अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच उत्तर प्रदेश। ये एक मंच का गठन हुआ था जुलाई में, जिसमें जो है हमारी एकमात्र मांग है कि हमारी पेंशन बहाल किया जाए। जो पुरानी पेंशन पार्टी थी वही पुरानी पेंशन उनको दी जाए। लेकिन हमने 3 आंदोलन किए थे, एक धरना प्रदर्शन किया था 9 अगस्त को, उसके बाद हमने जो है 28, 29, 30 कार्य बहिष्कार किया था, उसके बाद 8 अक्टूबर को लखनऊ में महारैली किया था। तदुपरांत जो है माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है हमारे प्रांतीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता किया और 2 महीने का समय मांगा, लेकिन उसमें 7 बैठकें हुई, 7 बैठकों के दौरान कोई निर्णय नहीं आ पाया। इसलिए हमारे प्रांतीय नेतृत्व को पुनः निर्णय लेना पड़ा और हम लोगों को आंदोलन पर जाना पड़ रहा है। आज हमारा ये जागरूकता का पहला कार्यक्रम है, ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। इसके माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी को आगाह करना चाहते हैं कि अगर इसके बाद भी आप हमारी मांगों पर विचार नहीं करते हैं तो हमें अगले आंदोलन के लिए हमें जाना पड़ेगा। 28 तारीख को हमारा मशाल जुलूस है, उसके बाद जो है 6 तारीख से 12 तारीख तक, 6 फरवरी से 12 फरवरी तक हमारी स्ट्राइक है। और अगर स्ट्राइक पे हमारे गौर नहीं किया गया तो हम महाहड़ताल कर सकते हैं, और महाहड़ताल के बाद भी अगर सरकार नहीं चेतती है तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ये जैसा निर्णय हमारी प्रांतीय पदाधिकारी, प्रांतीय कार्यकारिणी हमको देगी, हम उसका जिले स्तर पर 100% अनुपालन करेंगे। धन्यवाद। अपने फील्ड में